सबसे लड़के ये जो राम मंदिर का लिए फैसला किया है ये मोदी जी लावा कोई नहीं कर पाते। ये मोदी जी बहुत अच्छा काम किया है अपना बाल बच्चा का पाल पोस करने खातिर नाते नाते के हम लोग खतरा में है। बंगाल में तो दूसरी सरकार है, वहाँ पर दीदी को आप लोगों ने जितवाया, तो फिर भी मोदी की जय जयकार कर रहे हैं आप लोग, ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं इस वक्त बैढ़न सिटी अंतर्गत बैढ़न बस स्टैंड यानी कि सिंगरौली जिला बस स्टैंड में खड़ा हूं, और यहां पर हमारी एक मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से हो रही है जो कि यहां पर ठेला लगाते हैं और ये लस्सी बेचते हैं। और लस्सी इस वक्त मैं इनके पास आया था लस्सी पीने के लिए, लेकिन लस्सी इनकी ख़त्म हो चुकी है, इनके पास अब लस्सी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे हम अवगत होंगे, इस चुनावी मुद्दों को लेकर के बात करेंगे और इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर में आप, चूँकि बंगाल से हैं इसलिए मैं इनसे बात करना चाह रहा हूं, ये सिंगरौली के तो नहीं है लेकिन फिर भी इनकी बातें क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे। चाचा यहाँ कब से हैं आप? हम है बाबू आज 46 साल बैडन में है। 46 साल से बैडन में है। यहाँ पे कब से, मतलब आप ठेला कब से लगा रहे? ठेला बाबू हम देखिए आज करीब 20 साल यहीं पे ठेला लगा रहे हैं। यहीं पर ठेला लगा रहे 20 साल। तो क्या पहले आपको हिंदी आती थी? हिंदी हमारा नहीं आता था, हम तो बंगाली बाबू, तो हम लोग धीरे धीरे हिंदी बात सीख गए है। है ना, हम लोग पहले पारोटी बेचते थे, उसके बाद लस्सी बेचने लगे। तो हम लोग का यही अच्छा लगा, यही सब प्रेम व्यवहार बना के हम लोग है, मिलजुल के सबको साथ है, खुशी में है। अच्छा ये बताइए कि अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव में सामने जीत किसकी देखना चाहेंगे आप? ये मोदी जी के जीत है। क्यों? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसका चलते है मोदी जी के जीत। कौन से अच्छे कामों की बात कर रहे हैं आप? है? कौन से अच्छे कामों की बात कर रहे हैं? आप अपने प्रदेश से यहाँ आकर रह रहे हैं, आपके प्रदेश में जो है जॉब नहीं है, यानी कि नौकरी नहीं मिल पा रही या फिर रोजगार नहीं मिला, आप यहाँ पर आके रह रहे हैं, फिर भी आप मोदी की सराहना कर रहे हैं, कैसे? देखिए हम लोग बाबू ये जो यहीं पे है हम लोग, ये हम लोग का बीजेपी जो है अच्छा काम कर रहे, इसका चलते हम लोग का अच्छा लग। कौन से अच्छा काम की गिनती करते हैं आप, मतलब अच्छे कामों की थोड़ी बताएं आपकी, कौन सी अच्छे काम? अच्छा काम मतलब जो है मोदी जी सबसे लड़के ये जो राम मंदिर का लिए फैसला किया है, ये मोदी जी लावा कोई नहीं कर पाते। ये मोदी जी बहुत अच्छा काम किया है हम लोग का मंदिर के लिए जो बना दिया, हम लोग बहुत खुशी है हम लोग खुशी में। क्या मंदिर में आप गए? नहीं गए नहीं बाबू, हम सुने। जाना चाहेंगे? हम जाना चाहेंगे तो देखिए मौका मिल जाएगा तो जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई समस्या, कोई मतलब आपको डांटने वाला या हटाने वाला नहीं आता? हटाने वाला नगर निगम आया था, लेकिन हम बोले बाबू हमारा एक तो लड़का था एक्सीडेंट में डेथ हो गया, तो उसका हमारे बात सुन के बोले ठीक है तुम लोग बाबू यही रहो, लेकिन ये ट्रांसफार्मर संभाल के रहो, तुम लोग को कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब आपका जो है जो बच्चा था वो अब नहीं रहा? हाँ हमारे लड़का था बाबू, 2022 में एक्सीडेंट होकर डेथ हो गया। यही सिंगरौली में? नहीं सिंगरौली में नहीं बाबू, बंगाल में है। अच्छा, तो यहाँ आप अकेले रहते हैं? हम लोग अकेला रहते हैं। हाँ। हमारे नाते नातिन के पालपोस करने खातिर, और लड़का तो चला गया तो, लेकिन वो नाते नाते का पालपोस के लिए पढ़ाई के लिए हम लोग यही सब प्रेम व्यवहार बना के है। जो आया था नगर निगम वाला के हम रिक्वेस्ट किए, तो देखिए बाबू हम लोग का गरीब आदमी है, हमारा कोई सहारा नहीं है, एक तो लड़का था 2022 में 11 जून चला गया, तो हमारे बात सुन के बोले तुम लोग को नहीं हटाएंगे बाबू, तुम लोग बेचो, लेकिन ट्रांसफार्मर के सामने जो है जरा संभाल के रही। ये बताइए कि आप यहाँ पे रह रहे हैं और इस ट्रांसफार्मर के नीचे करंट की बात है, जो सामने वाले ने कहा कि संभल के रहना है। और एक बात है बाबू, जो एक बार शिवराज सिंह आया था 12-14 साल पहले, उस समय ट्रांसफार्मर लगा था, इसी समय इसी जगह थे। हाँ। तो हमारा कुछ सामान जल गया था तो हम बच के चले गए थे, फिर परसों नरसों ट्रांसफार्मर में आग लगा था, तो उसे हम बच के हम लोग चले गए उधर पे,
सकते हैं क्या किया जाए। एक खोतला में हम लोग है बाल बच्चा का पाल पोस करने खातिर नाते नातिन के हम लोग खतरा में है बाबू। सरकार से क्या सुविधाएं मिली आपको अगर बात की जाए तो, मोदी से मोदी सरकार से आपको क्या फायदा मिला? मोदी सरकार से देखिए बाबू हम लोग का फायदा अभी तो हम लोग यही पे है। हम लोग जिस समय लॉकडाउन हुआ था उस समय कुछ राशन पानी इधर उधर से मिला था और खाना भी मिलता था। और अभी? अभी तो नहीं बाबू, कुछ यही हमारी जो मेहनत का कमाई है उसी में रोजी रोटी चल रहा। बंगाल में तो दूसरी सरकार है, वहां पर दीदी को आप लोगों ने जितवाया तो फिर भी मोदी की जय जयकार कर रहे हैं आप लोग, ऐसा क्यों? आखिर में दीदी को भी तो वोट दिया आप लोगों ने, बंगाल में सरकार ही कुछ और। सुनिए बाबू, जो देर आदमी तो बहुत है बाबू, एक तो राज्य में बहुत आदमी है तो कोई मान लीजिए बीजेपी के दे रहे, कोई टीएमसी के दे रहे, भाई जिसको जो अच्छा लगेगा वही ना करेगा। हाँ। नहीं तो मतलब इस बार मोदी सरकार को ही चाहेंगे आप? बिल्कुल। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस देखिए, कांग्रेस तो देश से खत्म ही हो गया बाबू। कहाँ खत्म हो गया? कहाँ कांग्रेस में कहाँ है, खाली तमिलनाडु में तो है, बाकी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में था वो भी नहीं है, मध्य प्रदेश में था वो भी नहीं है। तो अच्छा काम कर रहे तभी ना मोदी जी के सब लोग वोट दे रहे। तो मतलब इस बार मोदी सरकार? बिल्कुल। तो इस टाइम पर मैं बैढ़न में हूँ, सिंगरौली जिला अंतर्गत, और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ लस्सी के लिए। चाचा ने लस्सी नहीं पिलाया, लस्सी नहीं आपके पास? लस्सी आज नहीं बाबू, खत्म हो गया, तो कभी आइए तो आप लस्सी पिलाएंगे। तो चलिए, मैं आया यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप लोग भी कभी यहाँ से गुजरे तो चाचा की अभी जो है बीच में आपके साथ गमी हुई, आपके पुत्र जो है एक्सीडेंट में जो है उनकी जान चली गई, उसके बाद से अगर देखा जा रहा है तो अगर आप लोग यहाँ इस क्षेत्र के हैं तो कुछ नहीं तो सहायता के रूप में ही कम से कम यहाँ पर आए, लस्सी पिए, इससे कहीं ना कहीं आपका परिवार सही तरीके से चल पाएगा। यही जो है हमारा निवेदन है आप सभी से, और यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करेंगे हम। आप यहीं के हैं? यहीं से? जी जी। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं करते हैं? काहे? हो गया अपना धंधा है तो हो गया। कौन सा धंधा? अपना घर का खेती बाड़ी होता है। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं। इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप पूरे भारत में? अब किसकी सरकार देखेंगे? बीजेपी का सरकार ही चला तो किसकी सरकार देखेंगे हम? क्यों बीजेपी ही क्यों? अब जब पूरा जनता ही बीजेपी का सहायता करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब जनता क्या सहायता करेगी बीजेपी की? बीजेपी की सहायता मतलब ठीक है, बीजेपी का कहा जा रहा है, जैसे चाचा कह रहे हैं कि मोदी के कई सारे अच्छे काम है, आपको क्या लगता है वाकई में अच्छे काम है या सिर्फ लालच दिया जाता है? अब अच्छा काम दे रहा है तभी ना सब हो रहा है, सब ये सब चीज। क्या देख पा रहे हैं आप अच्छे कामों की गिनती अगर की जाए तो क्या देख पा रहे हैं? अब हमारे हिसाब से तो अच्छा ही हो रहा है। यहाँ पर सीधी संसदीय क्षेत्र कहलाता है आपका सिंगरौली, किस गांव से हैं आप और नाम क्या है आपका? मैं हिरवा गांव से। हिरवा, नाम क्या है आपका? जवाज खान। अच्छा, तो इस टाइम पर अगर बात की जाए तो दो लोग प्रत्याशी हैं कांग्रेस और बीजेपी की, जो अच्छी खासी टक्कर है, राजेश मिश्रा जो कि बीजेपी से हैं और कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल, इन दोनों की अगर बात की जाए तो संसदीय क्षेत्र में किसे आप नेता मानते हैं? क्या आप जानते हैं प्रत्याशियों को या नहीं जानते? अभी तो हम नहीं जानते। नहीं जानते हैं, फिर भी आप क्या चुनना चाहेंगे, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी और क्या? ऐसा क्यों? हो गया बीजेपी का सरकार ही तो बीजेपी को चुनेंगे ना, सरकार उसकी है इसलिए। फायदा कुछ दिख रहा है इसके सरकार? फायदा बहुत है। क्या जैसे फायदा हम लोग कहे तभी ना मैं बता रहा। नहीं तो कौन से फायदा क्या गिन पा रहे हैं? चूंकि देखिए बेरोजगारी भी तो काफी है और कहीं ना कहीं शिक्षा भी नहीं देखी जा रही, तो आप फायदा कौन सा देख पा रहे हैं? अब फायदा ही फायदा तभी ना बीजेपी को आदमी। अरे तो फायदा कुछ गिनती भी तो करवा दीजिए, दो चार चीजें कुछ बताएंगे क्या फायदा? कि बहन लाडला वाला पैसा मिलता है आपके भी बीवी या बच्चों को या फिर किसी को, ऐसा कुछ सुविधा मिल पा रहा है? मिल रहा है तभी ना। अच्छा, मिल रहा है, मिल रहा है। लाडी बहना में आपके बीवी का नाम है? अच्छा, कितना मिलता है? 1200 रुपए। इस बार कितना आएगा? अब पता नहीं कितना आएगा, कब आएगा? आता है हर महीने में आता है। नहीं, इस बार कब आएगा? अब कोई पता है कब आएगा? चलिए, 10 तारीख को घोषणा हुई है कि इस बार फिर से आएगा लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो पैसा है, लेकिन आपका भी कहना है कि बीजेपी होगी,
आपसे भी कुछ बात करें, खाली हैं आप, इधर आ जाएं थोड़ी सी, आइए इधर। हाँ बताइए। कुछ गरीबों के लिए सहायता कीजिए। गरीबों का हमने ऑलरेडी आपकी सहायता के लिए हमने कह दिया है कि कम से कम यहाँ से जो गुजरे और जो हमारी इस न्यूज को देखेगा, आपके पास ठेले पे आए, कम से कम आपकी लस्सी पी के जाए। लेकिन अगर आपके पास लस्सी रहेगी तभी तो पिएगा। दूध कम मिला था इसलिए पहले खत्म हो गया। अब देखिए कैसी लस्सी आप बनाते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पता होता अगर आप पिलाते। आइए एक रोज आइए, हम अच्छा दूध सामने दुआ के लाते हैं, उसी में दही बनाते हैं, उसी में हम लस्सी पिलाते हैं सबको। अच्छा, सब लोग खुश हो जाते हैं हमारे लस्सी में। क्यों, मान लीजिए हम सामने दुआ के दूध लाते हैं, उसका चलते लस्सी अच्छा होता है। तो आप सभी इस टाइम पर सिंगरौली जिले अंतर्गत बैढ़न बस स्टैंड, ये सामने बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड के सामने मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आपसे बात जो है लस्सी की शुरुआत से और इस चुनावी मुद्दों पर खत्म होती नजर आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या कहना इस बारे में। और मेरा कहना ये है कि चाचा के पास से जब भी आप गुजरे इस बस स्टैंड के बगल में, ये ट्रांसफार्मर के बगल में आपका जो है यहाँ पर ठेला लगा है और आपके यहाँ जो है बंगाली दिल खुश लस्सी जो 25 रुपए की मात्र देते हैं, जरूर पीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।